मेरा नाम उदय भानु चिप है, यूथ कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर। आज हमारे साथ आईवाईसी के इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर जगदेव गागा जी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं जम्मू कश्मीर में। हमारे स्टेट स्पोक्स पर्सन जाजेब जी, हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी साहिल लंगी जी हैं। सबसे पहले मैं मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के आए। आज यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे एक मुहिम चल रही है जिसमें कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स के नाम से पूरे देश भर में एक मुहिम चला रहे हैं, और इसका मकसद यही है कि आम परिवारों से जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, जो युवा है हमारे देश का, वो अपने विचार रखना चाहते हैं, अपनी पॉलिसीज बताना चाहते हैं, तो वो इस प्लेटफॉर्म दे रही है यूथ कांग्रेस उनको कि वो यहाँ पे आए। पूरे देश भर में जो हमारा मीडिया सेंटर है वो यहाँ पे मुहिम चला रहा है, और वो रिक्रूटमेंट काइंड ऑफ कर रहा है, टैलेंट हंट हो रहा है लोगों का पूरे देश भर में, वो स्पोक्स पर्सन की पोस्ट के लिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो, स्टेट लेवल के, और उनमें भी जब उनकी ट्रेनिंग होगी उसके बाद नेशनल लेवल के स्पोक्स पर्सन भी ये लोग बन सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में होता है कि आपको किसी पॉलिटिकल लीडर का रिश्तेदार होने की जरूरत है, या कोई आपका लिंक या कनेक्शन होने की जरूरत है, आपको सिर्फ भारतीय होने की जरूरत है, भारत देश का युवा होने की जरूरत है, और आप चाहते हैं कि इस देश में, देश की राजनीति में आके देश का भला कर सकें, तो यूथ कांग्रेस ने आपके दरवाजे खोले हुए हैं इस ड्राइव के थ्रू। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन है, ये भी अपनी बात रखना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई'd लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर विद ड्यू परमिशन ऑफ आर आईवाईसी इंचार्ज देव गागा सर एंड उदय भैया। ये जो प्रोग्राम आज आईवाईसी लॉन्च कर रही है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल प्रोग्राम, दिस इज नीड ऑफ द आवर। आज जिस वक्त में केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, ऐसे समय में यूथ कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि देश के यूथ की आवाज इस सोई हुई सरकार तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव से, डिस्ट्रिक्ट से, हर प्रदेश से युवाओं की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाए जिसका नाम कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स है। कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स केवल एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि नीड ऑफ द आवर है। और जब हम कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स कहते हैं तो बाय पॉलिटिक्स कांग्रेस मींस राष्ट्र सेवा, जन कल्याण, राष्ट्र निर्माण। तो कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स का मतलब ही यह है कि हम देश के युवाओं को जन कल्याण, जन सेवा, राष्ट्र निर्माण की ओर बुला रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने काफी पहले से, आप देख रहे हैं जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। पहले तो सत्ता में आने से पहले ये कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 15 लाख खाते में आएंगे, तो उसके बाद उसके उलट लगातार प्रयास किए गए। तो इन्हीं प्रयासों को तोड़ने के लिए, देश के युवा की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए यूथ कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स के इस प्रोग्राम से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से स्पोक्स पर्सन को नियुक्त किया जाएगा। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन? यूथ इन पॉलिटिक्स का मुहिम आज यूथ कांग्रेस पूरे देश भर में चला रहा है। इस मुहिम से हमारा एक ही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है, जो आम परिवार से है, वो यूथ कांग्रेस से जुड़े। एक प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा, यहाँ पे वो अपने विचार रख सकते हैं, राजनीति के साथ जुड़ सकते हैं, और देश को, भारत को एक और बेहतर देश बनाने में देश की मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद।